धाड़क बल्लेबाजी के चलते किंग्स इलेवन पंजाब ने दिल्ली डेयरडेविल्स को 4 विकेट से शिकस्त दी। दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए किंग्स इलेवन के सामने 165 रनों का लक्ष्य रखा, जिसे किंग्स इलेवन की टीम ने 4 विकेट और 2 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज़ में। जिस तरह से मुंबई को सपनों का शहर कहा जाता है, मुंबई बहुत ही खूबसूरत शहर है और साथ ही साथ ये भी सच है कि कई बदसूरत दाग जो हैं मुंबई को कहीं ना कहीं से परेशान करते हैं। लेकिन आज हम एक ऐसी समस्या से आपको रूबरू कराएंगे। ये मुंबई का अंधेरी वेस्ट एरिया है और डोंगर इलाका है। यहाँ पर सबसे जो बड़ी परेशानी है वो ये है कि बिजली की का जो बिल आता है लोगों को परेशान तो करता ही है, साथ ही साथ उनका दिल भी जलाता है। सबसे पहले हमारे कैमरामैन सदानंद शेट्टी इन चेहरों को दिखाएं जो बिजली का बिल भर भर के बहुत परेशान हो गए हैं। और रिलायंस ने जिस तरह से दावा किया था मुंबई में एक अलग विकल्प मौजूद कराया था, उसके बावजूद लगातार लोगों को मन में शिकायत है और बहुत ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि ये जो बिजली बिल है लोगों को बहुत सता रहा है। क्योंकि महंगाई ने जहां एक तरफ से लोगों को परेशान कर रखा है, बिजली बिल का जो एक पर्चा आता है तो कहीं ना कहीं से इनकी ज़िंदगी में एक जो सुकून होना चाहिए उसको उड़ाने की कोशिश करता है। और जाहिर सी बात है, जब भी आम आदमी परेशान होता है तो परेशान होती है मुंबई की जो जनभावना है। और जनभावनाओं को जब भी आहत होने की बात हम करते हैं तो ये सवाल उठता है कि आम आदमी कब सुख का जो एक सुकून का जीवन है वो महसूस कर सकेगा, क्योंकि लगातार आम आदमी की कमर तोड़ महंगाई ने परेशान कर रखा है और रिलायंस का जो बिल है उसने हर आदमी को परेशान कर रखा है। सबसे पहले यहाँ के हम इश्तियाक जागीरदार साहब से मिलेंगे और ये जानने की कोशिश करें कि यहाँ के लोगों को कितनी परेशानी होती है। जागीरदार साहब, आप बताइए, ये जो रिलायंस का बिल आता है उससे कितना मतलब परेशान है लोग और कितनी सरकार को जो समझना चाहिए आम आदमी की भावना को लगता है कि सरकार नहीं समझ पा रही है? देखो, बिल्कुल सही बात है, सरकार कुछ समझ नहीं पा रही है। यहाँ के लोग इतने मायूस है, परेशान है, कई बार शिकायत करते हैं, शिकायत पे कोई सुनवाई नहीं होती है। जो लाइट का बिल जो 200 से 250 पहले यहाँ पर आता था और जो 300 के ऊपर कभी किसी के पास आया नहीं, आज 1000 रुपये के ऊपर लाइट का बिल आ रहा है, बिजली का बिल इतना आ रहा है कि सब लोग परेशान है। यहाँ पे वो लोग है जो रोज कुआं खोदे और पानी पिए, यहाँ कोई ऐसा ऊंचे करोड़पति लोग तो है नहीं, मिडिल क्लास के लोग भी नहीं, एकदम गरीब तबके की रेखा के नीचे के रहने वाले लोग है जो इतने परेशान है। रोज कमाना रोज खाना है ना, इस तरह की हालत है। और उसके ऊपर से इस इलाके में ये सलम एरिया माना जाता है, यहाँ पर ऐसे गुंडे टाइप के लोग होते हैं, कुछ ऐसे तबके के लोग होते हैं तो गरीब लोग उनके खिलाफ आवाज़ उठा नहीं सकते। यहाँ पे रिलायंस और जो पुलिस स्टेशन की मिलीभगत की वजह से चोरी की बिजली सप्लाई होती है तो काफ़ी लोग अपना जो मीटर बंद करके चोरी की लाइन लेते हैं। लेकिन आम आदमी परेशान है कि इतना बिल आ क्यों रहा है, क्योंकि इनकी इतनी ताकत नहीं कि इतना बिल भर सके। बिजली का बिल भरना है तो वो कम आना चाहिए और इनको आके यूनिट चेक करना चाहिए, लेकिन ये अपने अंदाजे से अपनी मर्जी से वो इतना बिल भेजते हैं कि गरीब आदमी भरने में परेशान है। और लेट करते हैं तो उस पर इंटरेस्ट लगाकर और डबल उनके ऊपर पैसा बढ़ाकर फिर डबल उनके ऊपर भेजते हैं, तो ये गरीब परेशान है, जाए तो कहाँ जाए, यहाँ उनकी कोई सुनवाई नहीं है। कई बार शिकायत करने के बाद कोई उनको पूछता नहीं है। तो ये डोंगर इलाका, यहाँ रोशन नगर, ये इस इलाके की बात नहीं कर रहा, जू गली डोंगर अंधेरी पश्चिम पूरे इलाके की बात कर रहा हूँ, हर जगह पर लोग परेशान है और कोई जवाब नहीं मिलता है। रिलायंस वाले कुछ पड़ी भी नहीं है, ऑफिस में बैठे रहते हैं, शिकायत उनके पास करो, उनके अधिकारी बोलते हैं ऊपर तक शिकायत गई है, लेकिन वो शिकायत ये लोग एकदम कचरे के डब्बे में डाल दिए, उस तरह सी बात है। आज जो बिलें ज़्यादा आ रहे हैं, लोग परेशान हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं। हम लोग कई बार मांग कर रहे हैं कि भाई इतने बिल क्यों आता है, लेकिन इसकी कोई जवाब नहीं मिल रहा है। लोग परेशान है, तंग आ चुके हैं, इसलिए जितने लोग यहाँ से निकले हुए ये आंदोलन करना चाहते हैं कि आखिर हम लोग ये इतना बिल क्यों भरे, जबकि हमारे घर में फ्रिज नहीं है, हमारे घर में कोई वॉशिंग मशीन नहीं है, सिर्फ टीवी होता है जो देखते हैं हम लोग न्यूज़, और एक जो 2-3 बल्ब होते हैं, उसके बाद भी 1000-1000 रुपये जो बिल आ रहा है, इसका कारण क्या है? लेकिन वो कारण का जवाब आज तक कोई दे नहीं पा रहा है और ये लोग परेशान है कि आखिर करे तो क्या करें, आखिर करे तो क्या करें। ये जो यक्ष सवाल है, यक्ष प्रश्न है, आम लोगों को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे रहा है, क्योंकि बजट से जब बाहर निकलती है कोई चीज़ तो निश्चित रूप से बाकी जो ज़रूरतें हैं वो भी बिल्कुल हिल जाती है। यहाँ पर काफ़ी सारी महिलाएं हैं, उनसे जानते हैं। मैडम, आप कितनी परेशान हैं बिल को लेकर? परेशान है बिल के लिए तो बहुत ज़्यादा बिलें आ रहे।
और पहले कितना बिल आता था, अब कितना आता है? 200 के ऊपर से ऐसा नहीं आता था, अभी तो 2600 3000 2600 बोल रहे ना। हाँ, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम रशीद है। मेरा महीने में पहला 170-180 रुपया बिल आता था, अभी 480 के ऊपर, कभी 600, कभी एक महीना नहीं भरता हूँ तो अगले दूसरे महीने में मतलब फिर उसका 1100-1200 रुपये तक चार्ज मार के आ जाता है। और फिर हम लोग गरीब आदमी, कमाई भी उतनी नहीं है जितना कि घर का भी है, खर्चा भी है, लाइट का भी है, बहुत सी चीज़ें घर के मसले होते हैं, बीमारी का भी है, ये सब इसमें कुछ हल नहीं होता है। लेकिन अब इसके लिए सिफारिश करते हैं, कंप्लेंट भी करते हैं, लेकिन कोई चीज़ का कंप्लेंट। आपने किसने कंप्लेंट किया? हम लोग ने BSS में भी जाके कंप्लेंट किया कि भाई इतना बिल आता है, तो बोलता तुम्हारे घर में लोड है। हमने कई बार बोला कि आके चेक करिए, हमारे घर में 2 ट्यूबलाइट है, 2 पंखा है, 1 TV है। भाई साहब आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आम आदमी परेशान है रिलायंस से? मैं तो ये जानता हूँ कि बोलने के लिए सर पे इतने बाल नहीं है, इतने डोंगर पे नेता है, बाकी जहाँ से एंट्री करें डोंगर पे वहाँ कचरे की पेटी है, इतना कचरा भरा हुआ था रास्ते पे चलने के तक ये ज्यादा था। कुल मिला के हम अगर लोगों की भावनाओं को समझे तो बिल से लोगों का दिल परेशान है। आप बिल से कितने परेशान है, बिजली के बिल? मैं बिल से इस कदर परेशान हूँ कि पहले मेरा बे वो अब टाटा था, जब 2-2, 3-3 रुपया बिल आता था, अब कम से कम 1000-1500 तक के आता है। मैं कंप्लेन कर करके थक गया, बोलते हम आएंगे। बीच में एक दफ़ा मेरा मीटर खराब हुआ था, तो मैं जाके बोला भाई मेरा मीटर खराब है, उसे ताबड़तोड़ कर दिया और फिर से एकदम बिल धनाधन आसमान पे आ रहा है। मैं चाहिए तो 15 बरस का सबूत दे सकता हूँ, टाटा का भी और रिलायंस का भी। रिलायंस वालों को कुछ कहना चाहेंगे आप, क्योंकि रिलायंस ने दावे दिखाए? चाहूंगा कि लूटे नहीं गरीबों को, गरीबों को लूटे नहीं, गरीबों के पास कुछ मिलेगा नहीं, गरीबों के हाई बद्दुआ लगेगी, जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, पैसा सब यही रह जाएगा। आप क्या कहेंगे रिलायंस के बारे में, आप कितने परेशान हैं? बोलेंगे हम हर आदमी जो है परेशान है, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं सुखी है, हर आदमी परेशान है। जो बिल हमारे पास 80-90 का आता था, आज की तारीख में 1250-1290 आ रहा है। अब वो बताओ 3-10 गुना हो गया, कहाँ से भरना, हम लोग कहाँ से लाना, जबकि घर के अंदर कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है यूज़ करने वाली। आके बोले हम देखेंगे, देखते हैं तो कुछ भी नहीं मिलता है, फिर वापस देखो तो एक महीना देते हैं 90 रुपये, वापस में वही 600 आ रहा, 700 आ रहा, फिर आके 1250 पे आ गया। आजकल यही गाड़ियाँ अटक जा रही है, कुछ फ़ायदा नहीं है बोल के, और ना सुनने वाला कोई नहीं है हमारे पास। ये जो सुनने वाला कोई नहीं है वाली जो भावना व्यक्त कर रहे हैं, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये सिस्टम जो है, ये सरकार जो है, या फिर रिलायंस के जो अधिकारी हैं, क्या उन तक आम आदमी की भावनाएं नहीं पहुंचती? उनका जो दर्द है, उनका जो गम है, उससे लोग क्यों बचना चाहते हैं? रिलायंस को जवाब देना होगा। आपको लगता है कि रिलायंस वाले जो हैं बिल्कुल सुनते नहीं गरीबों की? बिल्कुल सही बात है, जब ये गरीब जब कुछ झुंड बनाकर जाते हैं, 20-25 ये लोग उठा के सीधा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करते हैं, पुलिस आकर उन पर हमला करती है, उनको उठाकर अंदर डालती है, ये नहीं पूछते कि कारण इनकी तकलीफ क्या है, गरीब पे इतना जुल्म। अरे जब कोई बड़े पैसे वाले जाते हैं तो उनका बराबर काम होता है, वहाँ चोरी की लाइन चलती है, इतने बड़े बड़े अपार्टमेंट है, इतने इनलीगल उनके काम चल रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, मगर ये वो गरीब लोग है, ये जब अपनी मांग के लिए जाते हैं कि भाई जब 300 बिल आता था, 250 बिल आता था, अभी 1000-1500 बिल किस तरह से आ रहा है, ये इतना पूछने भी जाएंगे तो वहाँ पे उनके लिए बहुत बड़ी तकलीफ की बात है। और वही अधिकारी फट से फौरन पुलिस स्टेशन में फ़ोन करते कि हम पर आके उनसे अगर कोई बात भी करे तो वो सवाल का जवाब भी पूछना बहुत मुश्किल है, और वो जवाब दे नहीं पाते और उठाकर कंप्लेंट करते हैं और बेचारे बेगुनहगारों को जेल में डाल देते हैं। ऐसे काफ़ी शिकायत हो गई, कई लोगों ने मोर्चे के तौर पर कहे कि भाई हम लोग आंदोलन करना और लेके यानी हम लोग राइटिंग में कंप्लेंट करना चाहते कि इस तरह से प्रॉब्लम है, उन्होंने प्रति लिया भी नहीं, वो कॉपी लिया भी नहीं और उनके ऊपर कंप्लेंट किया, पुलिस ने उनको लेकर गया, पुलिस स्टेशन में बिठाए और उनको हरासमेंट करने के बाद छोड़ दिए। इस तरह से यहाँ जुलूम होता है, कोई जवाब नहीं मिल पाता है। मतलब पुलिस जो है एक आरोपी और अपराधी की तरह पेश आती है, मतलब आम आदमी के साथ इसमें कोई शक नहीं है, वैसा ही होता है, एक गरीब आदमी को पुलिस कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। BSS में आप जाइए, कोई उनकी सुनवाई नहीं है, BSS के अधिकारी एक नंबर के डाकू बनकर बैठे हुए, उन्हें पता है कि इतना बिल नहीं आता, अंदाजे से मारते, बाद में बोलते हम आपका मीटर चेंज कर देंगे, कुछ ऐसा एक स्विच बिठाएंगे जिससे बिल कम आएगा, यही बहाने करके लोगों को बेवकूफ बनाकर वहां से भेज देते हैं लोग, और कोई सुनवाई नहीं होती वहां पे, कोई सुनवाई नहीं होती, हर कोई परेशान है। मैडम आप रिलायंस से कितनी परेशान है ये बताइए। बहुत परेशान है मैं, जब से मीटर जब से बहुत ही परेशान है, मेरा एक ही 2.5 पाउंड का है, लेकिन फिर भी मेरे को 3000, 3000, 2000 बिल भरती हूँ। गए महीने में 2690 रुपये भर के आई मैंने, मैं जाके रिक्वेस्ट भी करती हूँ, अप्लीकेशन भी दी, तो बोलते हाँ आएंगे देखेंगे मीटर देखेंगे चेक करेंगे, कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, फायदा क्या है? आके देखो, मैं कितने बार बोली आके चेक करो मेरा मीटर चेक करो, तुम घर में आकर देखो तो भी कुछ भी नहीं कर सकते हमारे लिए। सही बोले भाई ने, वो झोपड़पट्टी वाले में जो गरीब है उनको कोई मदद नहीं करता, सिवा अल्लाह के कोई नहीं मदद करता, सब नेता लोग का सब पैसे अपने कुर्सी गर्म करने के लिए सब ऐसे करते, कोई नेता काम नहीं आया, कोई कुछ भी काम नहीं कर सकता, गरीबों की बहुत मुसीबत है।
गरीबों की बहुत मुसीबत है क्योंकि रिलायंस ने कमर तोड़ महंगाई के बाद लगातार उनका जो एक आंकड़ा है उसको छूने की कोशिश में आम आदमी की भावनाओं को इग्नोर करने की कोशिश कर रही रिलायंस कंपनी। आप बताइए आप कितनी परेशान हैं? हमारे भी लाइट का बिल बहुत आता है, हमारे गटर इतने भर जाते हैं, गटर साफ नहीं करते, दुनिया का कचरा। लाइट बिल के बारे में बताइए। लाइट का बिल 1100 रुपये 1500 ऐसा आ रहा है हमारे को। पहले कितना आता था? अगर हम आता था 50 आता था, 200 आता था, 250 आता था, 100 आता था, मतलब अभी एकदम 1100 आ रहा है, 1500 आ रहा है, तो हम गरीब लोग कैसे भरेंगे? आप इसकी शिकायत करती हैं? करते ना, अभी जाके हम लोग करें शिकायत उधर, तो वो लोग बोलते तुम्हारा जो जलता होगा तो इसके लिए आता है, ऐसा कैसे जलता हमारा कुछ भी चीज़, कुछ भी नहीं जलता हमारा। आप बताइए आपका दिल जलता है बिल देखकर? जलता है ना दिल देखकर, तो परेशान है हम तो इतने, अभी भी 2000 का बिल भरने को आधी चौकड़ा, अब परेशान है हम तो रिलायंस से। और क्या नाली गटर कितने परेशान है इससे, हम कोई सुनता ही नहीं, सुनने को आते तो कोई बोलता ही नहीं हमारे को। जीत के आए ना उनको बोलना जरा भाव कम करो, नहीं तो आपको आपको लगता है कि यहाँ के जो नेता आएंगे वो तो कुछ भी नहीं करेगा, ये मोती मोती बैठा ना भड़वा कुछ भी नहीं कर सकता। मैं तो सच्ची बोल रही हूँ, मैं सही बोल रही हूँ, मैं बोलो कुछ भी बोलो, लेकिन हमारे लिए कोई कुछ नहीं करा आज तक, कुछ नहीं करा। देखो आके तकलीफ कितनी होती है, गटर की तकलीफ है, वट्टों की तकलीफ है, घरों की तकलीफ है। कोई उपाय बताना चाहेंगे आप? कितने बार हमने बोला कोई सुनता नहीं हमारा, जो जो नेता लोग बैठे उनको भी जाकर रिक्वेस्ट करो, कोई नहीं मानता। हाँ आएंगा, हाँ आएंगा आएंगा, वो अभी तक आते रह रहे, अभी तक हमारा काम करके दे रहे। ये जो बिजली बिल जो आता है तो घर का जो बजट है उस पर कितना असर डालता है? बहुत असर डालता है क्योंकि कमाई हमारी उतनी होती नहीं है, दूसरी बात, और वो बिजली का बिल तो एक जिम्मेदारी होती है, भरना ही भरना है, नहीं भरते तो दूसरे महीने में नोटिस के साथ में आ जाता है, तो हमको मतलब परेशानी हो जाती है कि भरना ही है किसी भी हाल में। और वहाँ जाते हैं तो हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा कम करके सर ये महीने में जरा, अभी घर में बीमारी का मसला रहता है, कोई बीमार है उनको भी देखना है, फिर लाइट का बिल तो भरना ही है, मतलब वो किसी को माफ़ नहीं करते, थोड़ा हमारे लिए रहम भी नहीं करते। रिलायंस का और ये टाटा का तो जैसा भी बिल आता है, हम लोग जैसा 29, 27, 28 तारीख से बिल आता है तो परेशानी बढ़ती रहती है कि बिल कितना आएगा, दिल धड़कता है। हाँ, जब बिल आ जाती है तो और धड़कना चालू हो जाता है कि अब ये घर का खर्चा कम करके पहला ये खर्चा निकालना है, बोल के घर में आपसी में फैमिली में झगड़े शुरू हो जाते हैं। ये कौन सी सुविधा है जो आम आदमी की परेशानियों को समझने की कोशिश नहीं करती और घर में एक अलग माहौल बन जाता है और आपसी रिश्तों में एक कटुता आ जाती है? जी मैडम आप बताइए, आप आपको लगता है कि आपके रिश्तों में कड़वाहट आती है महंगाई की वजह से? महंगाई कुछ बहुत कड़वाहट आती है, बाल बच्चों को हम लोग जल्दी पेट भर का खाना दे नहीं सकते, जबरदस्ती के बच्चों को तरसाना पड़ता, परेशान हो जाते हैं हम लोग, क्या करें, एक तो रोजी भी नहीं है हमारे को इतनी, तो क्या करें, गरीब इंसान कहाँ जाए, जब रोजी रही तो कमाएंगे तो दो पैसा आएगा तो भी खरीद कर ले सकते चीज़ें, महंगी भी रहती ले सकते, लेकिन है ही नहीं तो लेंगे भी कहाँ से, बताओ क्या करें। हर कोई एक सवाल लिए हुए यहाँ पर खड़ा है कि रिलायंस की जो महंगाई है वो उससे हम कम निजात पाएंगे, आपको लगता है कि रिलायंस की जो सोच है उसमें गरीबों की भावनाओं का समावेश नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये जो लोग बोल बोल के ये हकीकत बयान कर रहे हैं, लाश मोड़ तोड़ यही है कि बताना कि बच्चों को भर पेट खाना नहीं दे सकते, और बच्चे मांगते तो उनको किसी तरीके से डांटी किसी तरीके से बहानेबाजी बनाकर उनको चुप करा देना पड़ता है। अब उनके सामने ये सब विषय क्या रखे कि हमको लाइट का बिल आ रहा है, बच्चे वो तो ये सब समझेंगे नहीं, बस ये लाइट के बिल को लेके तो बहुत परेशान है, जबकि घर में एक ही पंखा एक ही लाइट, ज़्यादा से ज़्यादा गरीब बच्चा अगर जिद करता है तो एक टीवी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चलता। और ये आजू बाजू जितने भी लोग जो बड़े बड़े लोग हैं जो एसी वगैरह ये जो यूज़ करते हैं सब, जो अपने अपने सेटिंग से सब लोगों की सेटिंग से, अभी हमारे यहाँ भी कितने जगहों पे चोरी की लाइट चलती है, तो उसके अंदर में भी ऐसा है कि बिल ट्रांसफ़र हो जाता है इधर से उधर, जहाँ बिल आना चाहिए वहाँ नहीं आता, जहाँ नहीं आना चाहिए वहाँ बिल आता, तो इस तरीके की तकलीफ है भाई। रिलायंस ने एक उम्मीद जगाई थी कि हर आदमी को बिजली पहुँचाई जाएगी, लेकिन उसकी भूमिका को किस तरह से देखते हैं आप? उसकी भूमिका को तो हमने देखा था कि एक सपना, कि हमको सपना दिखाया था कि बिल्कुल ये ऐसा होगा, तो हमने भी सोचे थे कि अगर ऐसा रिलायंस करता है तो बहुत अच्छी बात है, हम लोगों को कुछ रास्ता मिलेगा, कुछ हम लोग अपने लिए कुछ हमारे बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ, जो हमने सोचा था वो भेस कुछ भी नहीं हुआ, सब उसका उल्टा ही होगा। ये जो हम सपनों का शहर कहते हैं, यहाँ तो सपना तोड़ने की बात कर रही रिलायंस, ऐसा लग रहा है आपको? हाँ जी, ये तो वही लग रहा है ना, बिल जो आना चाहिए वो बिल लोगों को नहीं आ रहा है जैसा पहले आता था। ये रिलायंस के लेने के बाद बड़े बड़े मॉलों में इनका इलेक्ट्रिक सप्लाई हर जगह इतना हो रहा है, वो सब जगह का बिल जो है ज्वाइंट करके गरीब फैमिली को भेज दे रहे, और उनका इंटेंशन ये कि बम्बई से गरीबी नहीं हटाए, गरीबों को हटाए।
गरीब यहाँ से हट जाएंगे। बहुत अहम बात कह रहे हैं कि मुंबई से गरीबों को हटाने की साजिश शुरू हो गई है और उसमें कहीं ना कहीं से रिलायंस का भी नाम है, रिलायंस का भी हाथ है। रिलायंस का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान है। अगर ये रिलायंस वाला हमको चाहता तो गरीबों की सहायता करता, गरीबों के मोहल्लों में जो इलेक्ट्रिक बिल आ रहा है उसके बारे में सोचता, अधिकारियों से अपने कहता और यहाँ के बिल कम करवाता। बाकी इनका ये मुहिम है कि गरीबों को हटाओ, गरीबी मत हटाओ, गरीबों को हटाओ। तो किस तरीके से हटाओ? तो उनके ऊपर प्रेशराइज करो, बिल उनके बढ़ा दो, महंगाई उनके ऊपर बढ़ा दो, तो खुद ब खुद अपने घर बेच के, घर छोड़ के यहाँ से निकल जाए। तो इसमें सबसे आप क्या कहेंगे? मैं भी इसी बात से सहमत हूँ कि ये लोगों की यही लॉबी है कि गरीबी हटाओ, मीन्स गरीबी नहीं हटेगी, ये गरीब हट जाएंगे। इस तरीके का प्रेशर उनके ऊपर में डाला जा रहा है, जैसे लाइट को लेके, महंगाई को लेके, तो इससे मैं गरीब आदमी कहाँ जाएगा, अपना देश वतन छोड़ के कहीं दूसरे जगह। बिजली का मतलब होता है अंधेरे में माहौल को बदलना, यानी जहाँ अंधेरा है वहाँ पर रोशनी हो जाए। लेकिन यहाँ पर रोशनी के साथ साथ जो परेशानी आ रही है, जो कमर तोड़ महंगाई आ रही है रिलायंस के नाम से, उसको लेकर हम डोंगर इलाके में ये जानने की कोशिश करें कि आम आदमी कितना परेशान होता है। भाई साहब आपका नाम जानना चाहेंगे? हमारा नाम सिकंदर। सिकंदर जी आप बताइए, आप मुकद्दर का सिकंदर हैं या रिलायंस अपने आप को सिकंदर समझे? कहाँ से सिलेंडर समझे? ये लोग अगर ख़राब भी होती है तो ये जो बना के जाते हैं तो उसका भी जो रहता है काम काज का, वो भी हमारे बिलों में डाल के ले देते। जो हम लोग जितनी लाइट जलाते नहीं है उतना उसका काम का भी वो हमारे उसमें आ जाता है बिल के, उसमें सर्विस चार्जेस भी पूरा उसमें ही लग जाता है हम लोगों को। जितनी लाइट इस्तेमाल नहीं करते उससे ज़्यादा पैसा भर देते। तो सरकार कुछ तो हमको मुनाफा देना चाहिए रहने के लिए। अंबानी बंधु को कुछ सजेशन देना चाहेंगे आप? उन लोगों को क्या बोले, वो तो मोटे लोग हैं, हम गरीबों को कहाँ देखेंगे, वो खाली बिल्डिंग वालों को देखते हैं। हमारी तरफ देखने के लिए किसी को टाइम नहीं है। ये बात सही बोले उन्होंने कि ये गरीबी नहीं हटाओ, गरीबों को हटाओ, इन लोगों का पूरा दिमाग यही चल रहा है। लगातार हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि रिलायंस के बिल को लेकर यहाँ की जनता क्या सोचती है। अधेरी वेस्ट का इलाका है, यहाँ पर बाजू में ही नूर मस्जिद है और डोंगर इलाका है। मैडम आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोग कितनी परेशानी परेशान हो रहे हैं? तो बोलो, नाली पानी पूरा हमारे घर में भर जाता है। बिजली बिल के बारे में बताइए, पहले बिजली बिल के बारे में। अरे बिजली बिल का बोल दिया ना, लाइट का तो बिजली के बिल के लिए हम लोग बहुत परेशान है। पहला बहुत 200-150 ऐसा आता था, अभी 1000-1500 ऐसा बिल आता है। लाइट के बिल के लिए हम भी बहुत परेशान है। आप भी रिलायंस के बारे में कुछ कहना चाहती हैं? हम लोग नाली का तो बहुत ज्यादा तकलीफ है, बिल का तो है ही है, बिल का तो हमको भरना ही बना। आप बिल के बारे में बताइए क्या परेशानी है? बिल के बारे में जो बोल रहे हैं उतना चाहते हैं हमको भी। हम गरीब आदमी है, देखो ये कमाता आदमी कमाते क्या, इतना बिल भरना पड़ता है कि मालूम। और हम तो बूढ़े ही, हार्ट की बीमारी हुई मेरे को, तो क्या करेंगे बोलो, रोता बिल भरना पड़ता है जाके, इतना पानी। हर तरफ शिकायतों का अंबार है। जितने चेहरे आप यहाँ पर अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबके दिलों में अगर कोई नाराजगी है तो उसके प्रति एक नाम है, उसका नाम रिलायंस है। और रिलायंस को लेकर एक गुबार सा देखने को मिल रहा है, लोगों के दिलों में एक परेशानी है। गर्मी का मौसम है और बिल और भी गर्म कर देता है, बिल और भी गर्म कर। अभी तो कुछ इन्होंने ऐसा सिस्टम चालू कर दिया, काम चालू है, सड़क का काम चालू है, बिल बार बार बिजली जा रही है, लोग गर्मी से बेहाल है, परेशान है, इतनी हालत ख़राब है। जब औरतें जो घर में खाना बनाती है वो बेचारे बच्चों को मतलब दूध नहीं पिला पाती है, बच्चे जो है ना घर में एकदम गर्मी से इतने परेशान है, ये कोई चीज़ का उनको ध्यान ही नहीं है। जब चाहे बिजली गुल कर दो इनकी, एक एक 8-8 घंटे बिजली चली जाती है। कंप्लेंट करने के बाद अकाउंट नंबर मांगते हैं, अकाउंट नंबर मांगने के बाद उनको सीक्रेट नंबर देते हैं, फिर उसके बाद बोलते आएगा क्या बिल। नहीं, ये क्या एक मजाक हो गया इस इलाके में? ऐसे ही बिजली दूसरे यहाँ कई अपार्टमेंट है उस वहाँ क्यों नहीं जाती है? यहाँ 8-8 घंटे बिजली जाती है, लोग बेचारे इतने परेशान, को पता नहीं है कि कुछ मार्ग से किस रास्ते से हम जाए, कहाँ जाए, कौन हमारी मदद करे। ये सीधा BSS ऑफिस में जाते हैं, वहाँ तो कोई सुनवाई नहीं, वो दरवाजे बंद ही है। और ये सब दलालों का ग्रुप है जो गरीबों को तंग कर रहे, परेशान कर रहे। और अभी भाई साहब ने जो बताया बराबर है कि यहाँ से लोग चाहते हैं कि बिल्डरों की भी कुछ इसमें ये कि यहाँ से भगाओ, नाला सोपार इनको भेज दो, क्योंकि घरों की कीमतें बढ़ रही है। और उसमें ये BSS वाले भी अपनी पॉलिटिक्स खेल कर लोगों को परेशान कर रहे, अधिकारी को कोई लेना देना नहीं है। और ये डोंगर जुगली ऐसा इलाका है, यह हर चीज़ की परेशानी है, मगर सुनवाई कोई नहीं है। और जो आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, लेकिन फिर भी लोग इतने हिम्मत से बाहर आते हैं, अपनी सच्चाई बताते हैं, क्योंकि उनको तकलीफ है, इसलिए खुलकर सामने आए। और BSS का हकीकत में आप मानो या मत मानो बहुत प्रॉब्लम है, बिजली बार बार गुल हो रही है, लोगों को इतनी तकलीफ हो रही। मुंबई जैसे शहर के अंदर, इस इलाके के अंदर बिजली बार बार क्यों गुल हो रही है वो भी कारण ये नहीं बता पाते। और इनको फ़ोन करते तो 8 घंटे के बाद बिजली यहाँ पर आती है, और जब देखो वो खड्डा खोद कर वायर इनका कोई ना कोई, कई बच्चे करंट से यहाँ पर बरसात के अंदर तो इतनी तकलीफ होती है कि वायर भी जो लगाते हो तरीके से नहीं लगाते, कहीं भी वायर घुमा देते हैं। नन्हे मुन्ने बच्चे अगर कहीं पाइप को पकड़ लेते लोखंड के तो उनको करंट लग जाता है। कई घटना यहाँ पे घटी है, मगर कोई आवाज़ उठाने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, लेकिन आवाज़ को महसूस करने वाले ये सारे लोग हैं जो बिल भरते हैं, और बिल जब नहीं भर पाते हैं तो एक तकलीफ आ जाती है। भाई साहब आप
क्या कहेंगे रिलायंस की जो महंगी बिल आ रही है? रिलायंस ग्रुप के बारे में ये बोलना चाहूँगा मैं कि यहाँ पे जो बिल्डर लोबी चल रही है और ये माफिया ग्रुप लेके चलते हैं, अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसको धमकी भरा फ़ोन आता है और कोई सुनवाई होती नहीं है। और जब रिलायंस के लिए फ़ोन लगाते हैं तो उनका एक ही चालू रहता है रिकॉर्ड, मराठी के लिए 2 दवाई है, इंग्लिश के लिए 4 दवाई है, बंगाली के लिए 6 दवाई है। मुस्लिम समाज की कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पर, और यहाँ सब गरीब तबके के लोग रहते हैं जो 200 से 300 रुपया रोज कमाते हैं और 5-5 हज़ार बिल आती है, कहाँ से भरेंगे? और जब रिलायंस को फ़ोन किया जाता है, कंप्लेंट की जाती है, तो कंज्यूमर नंबर बताओ, आपका अकाउंट नंबर बताओ, इसी तरह से गुमराह करते हैं और 6-6, 8-8 घंटे ये अधिकारी आते नहीं हैं और कोई सुनवाई होती नहीं है। बोलने जाओ तो उसी के नाम से कंप्लेंट और धारा के नाम से उसी के नाम से कंप्लेंट की जाती है, चौकी के अंदर पुलिस ले जाके हरेसमेंट करती है। बस यही मेरा कहना है और यही है कि गरीबों की सुनवाई होना चाहिए। अगर हम नेताओं की बात करें जिनको हम लोग चुन के भेजते हैं, उनकी क्या भूमिका रहती है? अगर हम बात करें यहाँ पे जो हमारे प्रतिनिधि चुन कर आए हैं उनके पास जाओ, प्रतिनिधियों के पास जाओ, तो उनके पास टाइम नहीं है हमारे लिए मिलने के लिए, और एक ही बस आते हैं, वोट लेते हैं और चले जाते हैं ना। हमारे यहाँ कोई नेता काम नहीं करता है। मोहसिन हैदर भी तो आपके समाज के हैं। हमारे समाज के हैं, लेकिन उनको सोचना चाहिए ना कि हाँ हमारे समाज के लोग रहते हैं, नगर सेवक भी तो हमारा ही है ना। जैसे अभी गुरदास कामन साहब 5 साल रहे यहाँ पे, तो हमने तो उनको कभी देखा नहीं। अशोक भाव यादव की बात करें, एमएलए अशोक भाव यादव के साहब, तो साहब हमारे को लिए तो कुर्सी है, वो तो ऑफिस तो छोड़ो, उनको देखना भी मुश्किल है, मिलने नहीं देते हम लोगों को, क्योंकि हम उनके लिए काम नहीं करते। हम तो सवेरे जाते हैं, हमारा घर का काम, हमारे घर कैसा चले हम वो देखते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि उनके पीछे हाजी हाजी करते घूमे हम। तो ये हमारा प्रतिनिधि हमारा पहले देखे, हमारे को तकलीफ क्या है, हम वोटर है, यहाँ के रहने वाले लोग है, वोटर पहले के आम पब्लिक लोग पहले है उनके लिए। सबसे बड़ी बात है कि मुंबई में जो भी लोग रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनका जो सबसे बड़ा मजहब होता है वो कमाई करना जरूरी होता है, ताकि परवरिश हो सके बच्चों की और पूरा परिवार की जो एक दायित्व होता है उसको निभाने की जिम्मेदारी सिर्फ उसी आदमी पर होती है जो कमाई करता है। लेकिन अगर हम कमाने वाले लोगों की बात करें तो वो कमाते कम है और फ्रस्ट्रेटेड ज़्यादा हो जाते हैं। इससे कैसे निकला जा सकता है? जी जैसा ये हमारा सिस्टम है यहाँ का कि नाली अगर भर गई तो ये कोई सरकार नहीं आती बनाने के लिए, ये हम लोग प्राइवेट आदमी बुलाते हैं जो आके साफ करते हैं, उन लोगों को 40 से इकट्ठा पैसा करके देना पड़ता है। सरकार की तरफ से ना लाइट के लिए हम लोगों की इसकी लाइट चली गई, तो लाइट के लिए बीएमसी को उधर फ़ोन करो तो वो नहीं आते, कोई प्राइवेट कारीगर आके वो बना के जाता है। यानी किसी तरह से हम लोगों को इधर सुविधा। आपके इलाके में कितने घंटे बिजली रहती है 24 घंटे में से? यानी यहाँ पे कोई वक्त नहीं है, जब दिल हो गया चली गई लाइट, इसका कोई समय नहीं, रातों में लाइट चली जाती है, रात भर हम बैठे रहते हैं, गर्मी से परेशान हो जाते हैं, हाल बेहाल हो जाते हैं। ये अगर सरकार को फ़ोन लगाए तो आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे में ही रहते हैं। सरकार को फ़ोन किया जाता है, सरकार कहती है हम आ रहे हैं, जनता कब तक इंतज़ार करेगी? परिवर्तन की बात होती है, विकास की बात होती है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, लेकिन रिलायंस का जब बिल आता है तो आम आदमी हिल जाता है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसे 440 वोल्ट का झटका दे दिया है। ऐसा मान सकते हैं ना कि लोगों को झटका देती है रिलायंस? बिल्कुल बिल्कुल झटका देती है, इनका खून चूसे जैसा काम हो जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं। अभी जो एक भाई ने बताया, जो अभी एक माजी भी बताया कि वो बिल देख के हार्ट अटैक आ जाता है उनको, क्योंकि जो 200-300 और अचानक 1500-1000 बिल बोले तो ये गरीब लोग कहाँ से भरेंगे? इनकी कमाई तो 5-6 हज़ार के ऊपर नहीं है, यहाँ तो एक कमाने वाला 10 खाने वाले लोग है और इतनी गरीबी है कि बेचारे हर लोग मायूस है, परेशान है। ये तो सोचते हैं कि हर चीज़ में कोई हमको मदद मिले, कोई मदद तो करने वाला ही नहीं है। उल्टा रिलायंस कंपनी को सोचना चाहिए इलाका कौन सा, सलम इलाका, यहाँ पर ये चीज़ इस्तेमाल होती है कि नहीं होती है, उसके बाद वो मीटर जो चेक करे कि भाई कितना बिल आ रहा है, उतना बिल आप भेजे, लेकिन अंदाजे से जो बिल भेज रहे और बाद में जो डिपॉजिट का पैसा भी ये लोग जो काट रहे, ऐसे काफ़ी यहाँ पे प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम सॉल्व होना बहुत जरूरी है, लेकिन ये सॉल्व होने का कोई मसला ही नहीं और सॉल्व प्रॉब्लम बढ़ते जा रहा है एकदम। आपको लगता है कि आप जितना बिजली यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा बिल आता है? जरूर आता है बिल, उससे ज़्यादा ही बिल आता है, हमारे ज़रूरत से ज़्यादा ही आता है। हम बोल रहे हैं ना कि हम 80-90 रुपये भरने वाले थे अभी, पहले आता था, आज 1200-1300-1500 कोई फिक्स है ही नहीं। जब जी में आया जो ठोक दिए, जब जी में जब कंप्लेंट करो तो बोले टाटा का ले लो, टाटा का दे ट्राई करके देखो, तो क्या हम लोगों ने इसके लिए रिलायंस के लिए क्या बदली करते रहो इसको उसको, हर तरफ पैसा ही खर्चा करो, कोई काम धंधा नहीं, कमाई हो तो अपन भागे इधर जावे उधर जावे, कहाँ तक के जावे, घर में देखो बीमार, हार्ट का पेशेंट है, ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, हर चीज़ का आदमी, हर आदमी यहाँ पे परेशान, कोई सुख नहीं है, घर में छोटी मोटी बड़ी बीमारी है ही, तो आदमी वो बीमारी की तरफ ध्यान देता है कि इन लोग की तरफ ध्यान, और लाइट चली जाती है तो ज़रूरत से ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है, तो हार्ट का पेशेंट वाला घबरा जाता है, इसको कहाँ लेके भागेगा, कहाँ उठा के लेके। बिजली पूरी नहीं देते लेकिन बिल पूरा देते हैं? कुछ नहीं, हर चीज़ में उसमें तकलीफ ही है, बिजली की तो ज़रूरत से ज़्यादा तकलीफ हो जाए, और गर्मी में तो ज़्यादा ही आलम खराब रहता है,
जाना ही चाहिए उसको, थोड़े वक्त के लिए जाएगी बढ़ जाएगी। बिल्कुल सदानंद शेट्टी जी हमारे कैमरामैन जो हैं, एक बार पूरा पैन करके दिखाएं इस इलाके को और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो पूरा इलाका है यहाँ पर अगर बिजली नहीं होगी तो कितनी परेशानी हो सकती है। बहुत ही कंजस्टेड इलाका है, यहाँ पर गांव देवी मंदिर है, नूर मस्जिद है और डोंगर इलाका है। और सबसे जो यहाँ पर जो बड़ा सवाल है वो ये है कि यहाँ पर नागरिक होने का जो एक दायित्व होता है वो लोग निभाते हैं, टैक्स भरते हैं, मुंबई के विकास में जिससे जितना हो सकता है वो अपना योगदान देते हैं, उसके बावजूद रिलायंस की जो भूमिका है उसको लेकर लोगों के दिलों में लगातार एक गुबार उठता रहा है, परेशानी उठती रही है, क्योंकि आम आदमी का जो बजट है वो हिल गया है। आपको लगता है कि आम आदमी का जब बजट हिलता है तो सब कुछ हिल जाता है? बेशक बेशक, अभी एक फैमिली मेम्बर है, कमाने वाला है, अब वो कमा के घर में लेके आएगा, अब फैमिली के अंदर और भी बहुत सारी ज़रूरत है, बच्चों की ज़रूरत है, औरतों की ज़रूरत है, आदमी की खुद की ज़रूरत है, अब ये सब पूरी करने के बावजूद भी उसके पास कुछ पैसा बचता नहीं है, जो बचता है वो भी ये रिलायंस वालों के जेब में डालना पड़ता है, क्योंकि ये यहाँ वहाँ के मॉल का बिल ये गरीबों पे थोप रहे। मॉलों में 24 आवर्स लाइट है, 24 आवर्स एसी है, गरीबों के घर में जब देखो अंधेरा है, जब देखो लाइट बंद है। अब यहाँ एक फ़ैन चल रहा है तो उसका इतना बिल आ रहा है, एक ट्यूबलाइट जल रहा है तो उसका इतना बिल आ रहा है, तो इसके खिलाफ, रिलायंस के खिलाफ कोई ना कोई मुहिम ऐसा उठाना पड़ेगी या कोई मोर्चा उनके अधिकारियों के लिए धरना पड़ेगा कि भाई हम गरीब बस्तियों के लिए कुछ मदद कीजिए और हमें कंसेशन दीजिए, जहाँ तक कि हो सके कंसेशन दीजिए। कंसेशन की बात मांगी जा रही है, लेकिन अब देखना होगा कि रिलायंस के जो अधिकारी हैं, रिलायंस के जो बड़े बड़े लोग हैं, वो इस संवेदनशील मसले को लेकर कितना संजीदगी दिखाते हैं। अगर हम बात करें, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? भाई बहुत परेशान हुए, लेट घड़ी घड़ी जाती आती सर, मैं बहुत बीमार हो चुका हूँ, हालत बहुत खराब है, एकदम खत्म हो गया। हमारे घर में एक ही पंखा है, वो भी पंखा चल जाता है लेट, हम लोगों को बहुत तकलीफ है सर। और मीटर इतना आता है सर कि हम लोग का एक पंखा एक ट्यूबलाइट है, लेकिन मीटर डबल डबल मीटर आता, कहाँ से सर करें, हम लोग नहीं कर सकते सर, गरीब आदमी। मैं बहुत बीमार हो चुका हूँ सर, मैं बहुत अच्छा खासा आदमी घर का हूँ, लेकिन ऐसा कर दिए लेट से गर्मी। मीटर आपको लगता है मीटर में भी कुछ गड़बड़ी हो सकती है? जी वो तो पता नहीं है, वो आते लेंस क्या करते क्या नहीं करते उन लोग के हाथ में, हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन वो सब करने के बाद में ये हालत हो गई है मेरी, मैं एडमिट हो चुका हूँ ये गर्मी पंखे की वजह से, एडमिट था मैं, अभी आ चुका हूँ। आपको लगता है कि मीटर से भी छिड़खानी होती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल होती है छिड़खानी, ये भी रिलायंस के अधिकारी को अच्छी तरह से जानते हैं, उनके कुछ दलाल टाइप के लोग होते हैं और वो कुछ गड़बड़ भी करते हैं और सच्चाई का फिर बाद में ये करते हैं। इस पर काफ़ी ऑब्जेक्शन लगे, लोग कहाँ तक दौड़ेंगे, अभी कंप्लेंट करो, शिकायत करो, शिकायत करने के बाद पता चलता है कि वापस वहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है। पहले अभी जिस वक्त शिकायत करते हैं उस वक्त ये आते हैं, मीटर चेक करेंगे, मीटर बदली भी करते हैं, फिर बाद में बोलते हैं आगे महीने आपको ज़्यादा बिल नहीं आएगा, ये चेक करने के बाद एक दो महीना नहीं आता है, फिर वापस वही बात सभी लोग बता रहे, फिर बिल ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा रिलायंस के लिए? अभी तो बता रहे कि इस तरह से हो रहा है, तो कल वही होगा कि जो अधिकारी वहाँ पर बैठे हमें उनको बैठने तो देंगे नहीं, कि इस तरह से चलने वाला नहीं है, कब तक सबर करेंगे, वो पारा जब ऊपर चढ़ेगा तो फिर वो इस तरह के से कायदे से फिर इनको भी घसीटना पड़ेगा, इनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करना पड़ेगा, उनके ऊपर कार्रवाई करना पड़ेगा। अब बहुत संक्षेप में बोलिए आपका क्या अगला कदम होगा? अगला कदम तो यही होगा, हम आंदोलन छेड़ेंगे, हम मोर्चा करेंगे, हम कोई पूरी आवाम सब लोग मिल के हम जाके वहाँ पे धरना लेंगे, आखिर में यही होगा सर। आखिर में सिर्फ और सिर्फ जो सहारा रह जाता है, जो हमारे पास एक हथियार रह जाता है, वो होता है आज़ादी की अभिव्यक्ति का, और अपनी परेशानी को अगर हम रिलायंस तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो एकमात्र मुद्दा बचता है इनके पास, जो है आंदोलन का रास्ता। और जाहिर सी बात है रिलायंस को कहीं ना कहीं से इनकी भावनाओं को समझना पड़ेगा, वरना इनके दिलों में जो नफरत है उसमें और भी इजाफा हो सकता है। आज के इस सफ़र में इतना ही, लेकिन लगातार आप बने रहिए लेमन के साथ। अगर आपको कोई भ्रष्टाचार दिख रहा है, कोई समस्या है जिसकी सुनवाई नहीं हो पा रही है, खासकर अगर आप रिलायंस से परेशान हैं, तो आप हमें फ़ोन कीजिए, हम बनेंगे आपकी आवाज़। आज फिलहाल हमारे कैमरामैन सदानंद शेट्टी के साथ मुझे यानी अवनींद्र आशुतोष को दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी किसी अलग इलाके में किसी अलग समस्या के साथ, तब तक नमस्कार।